नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंदर में एक कदम शिक्षा की ओर। आज की वीडियो में हम वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी थ्योरिटिकल क्लास करा चुका हूँ और आज हम इसके आज ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। तो देरी न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमालों में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 52, 57 या 55? इसका हमारा सही आंसर होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व, ब, र और ल। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, या हमारा सही है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? देखते हैं, ता, फा, र, शा। जो शा है, से, से, जितने भी सा होते हैं और हा होता है वो ऊष्म वर्ण होता है। ये सारे भी वर्ण होते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमें हमारे हाथों पे ऊष्मा लगती है अगर हाथ पे। नेक्स्ट बोल देखते हैं, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो जो री है उसे वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है? स्वर, व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? तो इसको वर्णमाला में स्वर में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? ट, ढ, ढ, ढ। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सही आंसर होगा ट, टमाटर, सॉरी, ढा, ढक्कन वाला ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो जो दा ध्वनि होती है वो कहाँ से उसका उच्चारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो तालव, तालव्य, दंते, कंठे या ओष्ठ? तो इसका सही आंसर हमारा होगा दंते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तैत है, दंते, व्यंजन है? सेकेंड, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वह अर्धस्वर हैं या से, से, से ऊष्म व्यंजन है? तो इनमें से कौन सा प्रश्न सही नहीं है? तैथे दंते व्यंजन है, हाँ जी हैं, और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। हम बिना स्वर के कोई भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है? प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है? छ, ख, र और ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो कि प्रकंपित व्यंजन है? तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीन, रा। रा एक प्रकंपित व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दंतोष्ठ्य से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन सा है? दंत ओष्ठ्य से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन सा है? फ और व, या और र, के और चे, टे और ठे। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा होगा दंतोष्ठ्य से उत्पन्न होने वाला फ और व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंठ से नहीं बोला जाता है? तो इसमें देख लेते हैं, कह, खे, गए, तो ये तीनों बोले जाते हैं लेकिन ढाढ़क्कन नहीं बोला जाता है। निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा एक वर्ण है जो संयुक्त वर्ण नहीं है? इसका सही आंसर होगा हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, छत्रिया, तय, त्रिशूल, ग, ज्ञानी या रैसे ऋषि। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रे ऋषि। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है, ये का और प्लस सा को मिलकर बनता है, और ये कई बार KVS में पूछा भी जा चुका है, का और सा को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही है? ढै, ढै को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। छः, छः, जय, सह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है या यार एल है उस वर्ण है? तो इनमें से कौन सा वाला हमारा बिल्कुल सही है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा छः, छः, जय, जय स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है, इनमें से सही शब्द छाँट रहे हैं आपको, तो कौन सा इसमें सही होगा, सही शब्द होगा परीक्षा में, परीक्षा ये वाला ये सेकेंड नंबर सही होगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा सही शब्द है, तो इसमें सही शब्द कौन सा होगा, हमारा होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, के प्लस ऐसे निर्मित होता है, के और ऐसे क्या नहीं बनता है, तो के ऐसे हमारा बनता है के, ये वाला शब्द बनेगा हमारा नंबर सेकेंड। गा और ओ से निर्मित रूप बताइए, गा और ओ से क्या बनता है, गा और ओ से क्या बनता है, ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सत्य है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से में होता है, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, हास्य और दीर्घ। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से, उच्चारण के कंपन से, तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा उच्चारण के उतार चढ़ाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है हमें देखना है, तो अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, महाप्राण में सप्त के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, तो इसका हमारा जो आंसर है वो कौन सा वाला सही हो सकता है, इसका आंसर हमारा कौन सा वाला सही हो सकता है, इसका आंसर हमारा जो सही है वो होगा अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है, इनमें से कौन सा महाप्राण नहीं है, सैक है, सै और प, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर चार, जो पा है वो महाप्राण नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो, मैंने एक थ्योरेटिकल वीडियो डाल रखी है बर्ण के नाम से, आप हमारी हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है, अल्पप्राण में से कौन सा ही छाटना है हमें, अल्पप्राण कौन सा, का खा गा, घ और घ, तो अल्पप्राण हमारा होगा कै। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आगामी इनमें से कौन सा हमें छाटना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीन, आगामी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध होगा, तो आक्रामक ये वाला शुद्ध होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में से किस युग को अर्धस्वर कहा जाता है, इसमें से कौन सा है जो अर्धस्वर है, इनमें से कौन से अर्धस्वर हैं, या वह या रह तैफ गद है, ए या और रह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो औष्ठ्य से नहीं बोला जाता है, प न ब या म, तो इसका सही आंसर हमारा होगा न, ना को हम औष्ठ्य नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में कौन असत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है, ता औष्ठ्य व्यंजन है, से उष्म व्यंजन है, फ औष्ठ्य व्यंजन है, या छ संयुक्त व्यंजन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा तय, तय औष्ठ व्यंजन है, तय एक औष्ठ व्यंजन है, यह असत्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चावर्ग है, निम्न में से चावर्ग का कौन सा है, तालव्य औष्ठ दंत या दंतोष्ठ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा तालव्य, इसे तालु से बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है, पार्श्विक वर्ण कौन सा है इनमें से, नंबर एक या रे ले और वे, तो पार्श्विक वर्ण उसे बोला जाता है ले को, ले एक पार्श्विक वर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, ये पहले भी एक बार परीक्षा में आ चुका है DSSB में। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है, या वह ढय ढय भय में शय 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 है, तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, इसे दीर्घुड़ व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गै गै
या को वर्णमाला में माना जाता है। तो इसे ये जो आप देख रहे हैं इसको कौन से वर्णमाला में आता है, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर या व्यंजन, तो इसको वर्णमाला में कहाँ पर रखा गया है, इसको रखा गया है वर्णमाला में हमारा ऑप्शन नंबर एक संयुक्त व्यंजन में, यह एक संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। छह छतरिया का निर्माण किन दो वर्णों से होता है, ये मैंने आपको अभी बताया भी था, कैश है कै खै, खै और दै, दै और चै, तो इसका सही आंसर होगा हमारा के और से। बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है। इनमें से कौन सा अंतस व्यंजन वर्ण नहीं है, इनमें से कौन सा अंतस व्यंजन नहीं है, तो देखिए इसमें या रे ले वे वे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बे, बे अंतस व्यंजन नहीं है, या रे ले वे होता है, बा नहीं होता वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला में किस स्पर्श संघर्ष, किसे स्पर्श संघर्ष भी कहा जाता है, कावर्ग, टावर्ग, चावर्ग या पावर्ग, स्पर्श संघर्ष व्यंजन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो इसको कहते हैं चावर्ग को स्पर्श संघर्ष व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण दंत नहीं, दंते नहीं है, इनमें से कौन सा है जो दांत से नहीं बोला जाता है हमारे, तो ता दा ध और फा, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर चार, फा को दंत से नहीं बोला जाता है। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है, कै चै पै या, तो इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसका सही आंसर बताएंगे या एक स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, ए छोटा ए बड़ा ए ओ से ओकली या फिर बड़ा आसनार, तो ये होगा हमारा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है, तत्सम, तद्भव, तेसज या विदेशी, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं तत्सम शब्द।